अस्सलाम वालेकुम, मैं बात कर रही हूँ अनिका जोरमबाद से, उर्वा की स्टूडेंट, एक झंडा वाली का बंदा था सम्मी सिद्धू खैल है। उसने मुझे बुला के आज मेले के फंक्शन के बहाने मेरे पास 5 लाख की कैश थी वो भी ले ली, और उसके साथ 4-5 दोस्त थे, उन सब ने मेरे साथ ज्यादती किया। ये देख ले मेरे इतने लंबे बाल थे 5-6 साल के, ये सारे उसने सारे काट दिए। आज जी पंजाब से मेरी दरख्वास्त है, मैं माफी मांगती हूँ जोरमबाद से ले या बखर से, मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। बखर से डीपीओ साहब जोरमबाद से, मैं गरीब हूँ, मेरे घर वाले कोई भी कमाने वाला नहीं है, मैं अकेले कमाने वाली हूँ, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। मेरे 5-6 साल के बाल थे ये देख के सारे उन्होंने काट दिए है, जानबूझ के बुला के, सब ने शराब पी हुई थी, 5 लाख की कैश थी वो भी सारी ले ली है, और मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। और मैं बात कर रही हूँ अनिका जोरमबाद से, उर्वा की स्टूडेंट, एक झंडा वाली का बंदा था सम्मी सिद्धू खैल है। उसने मुझे बुला के आज मेले के फंक्शन के बहाने मेरे पास 5 लाख की कैश थी वो भी ले ली, और उसके साथ 4-5 दोस्त थे, उन सब ने मेरे साथ ज्यादती किया। ये देख ले मेरे इतने लंबे बाल थे 5-6 साल के, ये सारे उसने सारे काट दिए। आज जी पंजाब से मेरी दरख्वास्त है, मैं माफी मांगती हूँ जोरमबाद से ले या बखर से, मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। बखर से डीपीओ साहब जोरमबाद से, मैं गरीब हूँ, मेरे घर वाले कोई भी कमाने वाला नहीं है, मैं अकेले कमाने वाली हूँ, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। मेरे 5-6 साल के बाल थे ये देख के सारे उन्होंने काट दिए है, जानबूझ के बुला के, सब ने शराब पी हुई थी, 5 लाख की कैश थी वो भी सारी ले ली है, और मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। और मार